लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र में इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद कड़ा होने वाला है। इनमें महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर चुनाव दिग्गजों के लिए बेहद प्रतिष्ठापूर्ण रहने वाला है। उनमें से एक है बारामती लोकसभा क्षेत्र। बारामती पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। ऐसे में अब उसी बारामती को लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के बड़े बयान से चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने बारामती को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी नेता पाटिल ने कहा कि बारामती सीट अजीत पवार को दे दी गई है, इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। यह लगभग तय है कि सुनेत्रा पवार एनसीपी से बारामती सीट से चुनाव लड़ेगी, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में बारामती में मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच लड़ाई होगी। इस बीच जब चंद्रकांत पाटिल से उनकी उम्मीदवारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरी उम्मीदवारी पर पार्टी फैसला करेगी।